हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं समझ रहा हूँ आप सबकी परेशानी। इस लॉकडाउन ने जितना आपको परेशान नहीं किया, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं टीचर्स को परेशान किया। आ गए सर हम आपके प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में क्या सिलेबस है, कितना आना है, कितना नहीं आना पढ़ना है। और वो जो एक रूमर है कि सिलेबस कट डाउन होने वाला है 30%, 40%, 50%, 100%, वो सब हम लोग आज देखेंगे कि वो होगा भी कि नहीं होगा। आपका एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस कितना होगा, कितना आपको पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है। मैं आपका टीचर प्रसन्नजीत कुमार आपको सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, आज वो सब डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में कि आखिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आखिर मैं हूँ कौन? बेटा, मैं प्रसन्नजीत कुमार हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मैं एसोसिएटेड पार्टनर भी हूँ बेटा, वीपी एसोसिएट्स में। वहाँ पे पार्टनर्स है मेरे साथ कुछ और, लेकिन भगवान की दुआ से बेटा मैं अकाउंट्स पढ़ा लेता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा लेता हूँ, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा लेता हूँ बेटा 11th और 12th क्लास में। इसके अलावा सीए फाउंडेशन में बेटा मैं डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ाता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ाता हूँ, वो हम आगे देखेंगे बेटा। फिलहाल अभी हम 12th में हैं। सवाल, मुझसे क्यों पढ़ना है? मैं सिलेबस कंप्लीट करा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कैसे कराऊंगा, कब तक कराऊंगा, ऑनलाइन कराऊंगा, ऑफलाइन कराऊंगा, सब जानते हैं बेटा। आते हैं जरा इस सेक्शन में, आते हैं जरा इसको जूम करिएगा। कम्स टू सिलेबस पार्ट, बेटा मैं यूट्यूब पे आऊंगा, ऑनलाइन सारी क्लासेस फ्री रिसोर्सेज रहेंगे बेटा। सिर्फ 30 आवर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बेटा, सिर्फ 30 आवर्स में। डेली क्लासेस आएंगे बेटा, रिकॉर्डेड भी होंगी, लाइव भी होंगी बेटा। बेटा डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मुझे इस नंबर पे कॉल करना है अगर डाउट है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम बेटा। विद इन 3 आवर्स में अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपका रिप्लाई आएगा, कॉल करोगे तो बेटा मैं आपको हाथों हाथ उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा बेटा आप हमारे पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पे मैं आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ भी दूंगा। कवरेज बेटा, कवरेज की बात करते हैं कि भाई 30 घंटे में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा। सारे कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, सारे A to Z। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चंस की बात आती है, सर क्वेश्चन भी कराओगे? यस, आपके सर क्वेश्चंस भी कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे बेटा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे एक आध छोड़ देंगे आपके लिए, होमवर्क के लिए बेटा। अच्छा, हमने जो आपको पढ़ाया उसका बेटा संडे संडे टेस्ट होगा, एवरी संडे टेस्ट होगा बेटा, एवरी संडे @11। वो कैसे होगा उसकी जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे कि कैसे होगा। हेलो, आज बेटा हम सेशन 2021 की बात करेंगे, क्लास 12th CBSE की बात करेंगे, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की बात करेंगे। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला बेटा, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, अपना नहीं सब्जेक्ट का। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ बेटा कि कैसे एग्जाम होगा, पहले जान तो ले जिससे लड़ाई करनी है उसकी ताकत क्या क्या है। आओ बेटा जानते हैं, जरा इसको फोकस करें बेटा। आपका एग्जाम में 80 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आने वाला है बेटा। प्रोजेक्ट में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता बेटा। अरे वैसे बोल रहा हूँ, करूंगा, मदद करूंगा बेटा, लेकिन ये मार्क्स आपको खुद ही लाना है बेटा। प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स आपको खुद लाना है बेटा। मैं आपको कराऊंगा बेटा इस 80 मार्क्स की तैयारी, इस 80 मार्क्स की थ्योरी की तैयारी कराऊंगा बेटा। ठीक, आए बेटा जरा सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस पे, सिलेबस पैटर्न को थोड़ा सा हाईलाइट करें। सिलेबस पैटर्न, सिलेबस जो है आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है, और पार्ट सी आपका ये भी 20 मार्क्स का है। लेकिन पार्ट ए जो कि आपका मेजर पोर्शन है बेटा, मेजर पोर्शन, पार्ट ए में आपको 3 चीजें पढ़नी है बेटा। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है बेटा आपके एग्जाम में, 10 मार्क्स। 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, हो सकता है 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए, लेकिन पूरा का पूरा ये 10 मार्क्स आपका कवर करेगा। पार्टनरशिप 30 मार्क्स, कंपनी 20 मार्क्स, डन। मार्क्स कंपनी 20 मार्क्स, डन। नाउ कम टू पार्ट बी, पार्ट बी 20 मार्क्स। यहां पे आपको 2 चीजें पढ़नी है बेटा, एक एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 12 मार्क्स का बेटा। CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का, 1-1 मार्क आएंगे, टोटल 8 मार्क्स का होगा बेटा। ठीक ठीक बेटा। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ये जो आपका प्रोजेक्ट था 20 मार्क्स का, प्रोजेक्ट बेटा 20 मार्क्स का, ये बेटा 3 पार्ट में होगा।
आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बना के देनी होगी 4 मार्क्स की, बहुत मेहनत करना, बहुत अच्छी फाइल बनाना, क्योंकि नहीं भी बनाओगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बना के मिलेंगे बेटा, आपको फाइल बनानी है, 4 मार्क्स आपको मिलेगा। 12 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा बेटा 1 घंटे का, इसके अलावा आपका वाइवा होगा 4 मार्क्स का। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको दिलाएगा बेटा 100 मार्क्स, ये कंप्लीट पैकेज आपको दिलाएगा 100 मार्क्स, 60 20 20, डन। अब बेटा इतना जो हमने पढ़ा, इतना सारा पढ़ा, पढ़ने के बाद बेटा हमें कुरुक्षेत्र में उतरना है। कुरुक्षेत्र महाभारत लड़ाई करनी है बेटा, 3 घंटे हमें लड़ाई करनी है, 3 घंटे, और उस लड़ाई के लिए आपको उन्होंने 1 साल का समय दिया, ठीक। लेकिन फिर भी वो आपको लड़ने से पहले 15 मिनट का टाइम देगा ताकि आप चेक कर लो कि आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न बेटा आपका 3 आवर 3 आवर 15 मिनट, मतलब 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा बेटा, ठीक। पहले 15 मिनट का जो ब्रेक आपको मिलने वाला है उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है बेटा, क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन पेपर की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि कितने दुश्मन आने वाले हैं बेटा। 32 दुश्मन आने वाले हैं, सॉरी बेटा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 32 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, 32। अब वो कैसे आएंगे जरा वो देखते हैं बेटा। 32 क्वेश्चन दो पार्ट्स में बटे होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में बेटा आपको 22 दुश्मनों से लड़ना है, अरे क्वेश्चन से लड़ना है, 22 क्वेश्चन से लड़ना है, और पार्ट बी में आपको 10 क्वेश्चन से लड़ना है। पहले 22 क्वेश्चन से आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और दूसरे 10 क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कैसे कैसे आएंगे, छोटे दुश्मन, बड़े दुश्मन, बहुत बड़े दुश्मन, देखते हैं बेटा। अच्छा, एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था आपका, वो अभी देखेंगे। एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था इस बार एग्जाम जो हुआ है, मेजर अमेंडमेंट ये है बेटा, पार्ट ए के अंदर सो ट्रू फॉल्स, तो 1 to 13 1 मार्क्स का। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 29 तक 1 मार्कर है। तो अगर आप देखें तो 20 मार्क्स के आपके 1 मार्कर है बेटा, जहां पे आपको आपकी लर्निंग, आपकी रिमेंबरिंग पावर मार्क्स दिलाएगी बेटा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बेटा 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 15 to 18 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 19 to 20 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 21 to 22 8 मार्क्स का। अगर मैं इन सब का टोटल लगा लूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो बेटा ये आएगा 60 मार्क्स बेटा। यहां पे 23 से 29 1 मार्क्स का मैं बता चुका, क्वेश्चन नंबर 30 3 मार्क्स का, 31 4 मार्क्स का, 32 6 मार्क्स का, ये कंसिस्ट करता है बेटा 20 मार्क्स, ठीक, डन। इन दोनों को ऐड कर दें तो बेटा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हुआ 80 मार्क्स का, 80 प्लस आपने जो प्रोजेक्ट की फाइल जमा की थी वो थी 20 मार्क्स की। अब सवाल है पढ़ना कौन सी बुक से है। सर मैं आप दो की बुक नहीं बेटा, इस साल मैं नहीं दूंगा, इस साल देने वाला था लेकिन इस साल मैं अपनी बुक लॉन्च नहीं कर रहा बेटा। पढ़ना आपको TS ग्रेवाल सर की बुक से है, उसमें 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 के अंदर बेटा NPO पार्टनरशिप है 40 मार्क्स का, वॉल्यूम 2 में बेटा कंपनी है 20 मार्क्स का, और वॉल्यूम 3 में बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस 20 मार्क्स का। अपन सबसे पहले ये शुरू करने वाले हैं बेटा वॉल्यूम 1, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। अब बात करते हैं कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा बेटा। आपको दो कॉपी बनानी है बेटा। हाँ बिल्कुल ऑफलाइन मोड की तरह बेटा, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप भी ऑनलाइन हो गए मैं भी ऑनलाइन हो गया, नहीं बेटा, लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है। आपको 2 कॉपी बनानी है बेटा। जो आपकी पहली कॉपी होगी, पहली कॉपी, उसका नाम रखोगे बेटा कंसेप्ट कॉपी। जो आपकी कॉपी 2 होगी बेटा, उसका नाम रखोगे आप क्वेश्चन कॉपी। क्या नाम होगा बेटा? क्वेश्चन कॉपी। मैं आपको जो भी कंसेप्ट कराऊंगा क्लास में, जो भी कराऊंगा बेटा, आपको वो कंसेप्ट कॉपी में लिखना है। आपको इस कंसेप्ट कॉपी में बेटा इंडेक्स का पेज बनाना है, और मैं आपको जो भी कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट वो चैप्टर वाइज कराऊंगा बेटा, मैं चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर में इतने कंसेप्ट है, मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा इस चैप्टर में 20 कंसेप्ट है या 30 कंसेप्ट है, मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक। आपको इस हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक। मैं बताऊंगा बेटा जब क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा एग्जैक्टली, फिलहाल आप इसकी तैयारी करके रखें। दूसरा, क्वेश्चन कॉपी में बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाले नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसमें भी बेटा आपको नंबरिंग करनी है पेज की, आपको पेज की नंबरिंग करनी है। सपोज करते हैं कि इस कॉपी के पेज नंबर 47 में
पेज नंबर 47 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप का, हम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप का जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें वहां पे ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है और इसके नीचे लिखना है बेटा पेज नंबर किसका, बुक का। जैसे अगर मान लो हम एक मिनट देना है, अगर हम क्वेश्चन इसमें पार्टनरशिप के एक चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर, आपको इस क्वेश्चन के नीचे लिखना है जैसे 13.6 मैंने लिख दिया, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपने जहां पे किया है, ये जो पेज नंबर था कॉपी का, जैसे कि 47 पेज, ये पेज नंबर आपको उठाना है और वापस अपने बुक में आना है, बुक में वो क्वेश्चन जहां पे है बेटा, उस क्वेश्चन के नीचे आपको लिखना है उस कॉपी का पेज। कहां पे किया था ये क्वेश्चन बेटा, ये किया था हमने क्वेश्चन कॉपी में, तो मुझे यहां पे लिखना है Q47। Q का मतलब क्वेश्चन कॉपी। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में करने के लिए बोलूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस केस में आपको वहां पे C47 लिखना होगा। अभी फिलहाल आपने क्वेश्चन कॉपी में किया था तो आपने वहां पे लिखा Q47। अगर हम इस कॉपी में करते तो हम लिखते हैं वहां पे C47। बेटा इसके ना दो फायदे ये कि आपको पेज में उलझना नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी क्वेश्चन कॉपी है बेटा, ये 500 पन्नों की कॉपी बनवा रहा हूं मैं आपसे, 500 पन्नों की। तो कभी कोई क्वेश्चन देखना होगा तो क्या मैं पेज ही पलटता हूँ? नहीं बेटा, मैं सिर्फ क्वेश्चन में देखूंगा कौन सा पेज है और वहां से मैं बेटा यहां आ जाऊंगा। बेटा इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी, कॉमर्स के साथ साइंस भी पढ़ाऊंगा बेटा मैं, ठीक है, टेक्निक यूज कराऊंगा। चलो स्टूडेंट्स, आपको आज मैंने जितनी भी बातें बताई, जितनी भी, आई होप वो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देखो बच्चों, लॉकडाउन में पढ़ाई हकीकत में बहुत मुश्किल हो रही है, सबके लिए हो रही है, लेकिन ये जो ऑनलाइन मोड है बेटा, मैं किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको भी पता है कि उसमें बहुत दिक्कत है। मैंने खुद भी उस दिक्कतों को एक्सपीरियंस किया, तभी मैंने तय किया कि अब हमें भी इस प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए, यूट्यूब पर आ जाना चाहिए। तो अब आगे जितने दिन भी लॉकडाउन चलने वाला है बेटा, जितने दिन भी, मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस देता रहूँगा यहाँ पे बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस 30 आवर्स में जो मैंने आपको बताया है उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस बेटा क्वेश्चन के साथ। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें, लेकिन इसी पे डिपेंडेंट रहें बेटा, इसी पे। आपको एक किसी को चुनना पड़ेगा बेटा, टाइम बहुत क्रूशल आ गया है। देखिए जून भी खत्म हो गया बच्चे, जुलाई आ चुकी है, अब जुलाई के बाद भी पता नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है घटने वाला है, लॉकडाउन बढ़े घटे जो भी हो, लेकिन आपको एक बात बताए, ये स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस इसको खुलने में बड़ी दिक्कत है बेटा। तो जब तक नहीं होता हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक। चलो बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इस ओके okay.